बुजुर्ग महिला को हैदराबाद से बस से लाकर सायन में छोड़कर दोनों युवक हुए फरार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुंबई से एक वायरल किया गया वीडियो बता रहे हैं। ये वीडियो एक वृद्ध महिला का है जिसका नाम है शारदा। इसे हैदराबाद के रोशन ट्रैवल एजेंसी की बस से लाकर के सायन परिसर में छोड़ दिया गया। इसके साथ दो युवक मौजूद थे बस में, जो कि इस महिला को जब सायन में उतारा इन युवकों ने, और उतारने के बाद ये दोनों युवक जो है अचानक गायब हो गए। उसके बाद ये बुजुर्ग महिला जो है परेशान हो गई, वहां पर लोगों को मिली, पुलिस भी आई। बाद में पता चला कि ये हैदराबाद से महिला को ला करके यहाँ छोड़ा गया है। पूरी ये जानकारी सामने आने के बाद फिर ये वीडियो बनाया गया है और वायरल किया गया है। तो देखिए कैसे आज के दौर में अपने बुजुर्गों को, अपने घर के वृद्ध व्यक्तियों को बोझ समझा जाता है और उन्हें किसी न किसी बहाने या उन्हें बेवकूफ बना करके अपने घर से बाहर निकालने के लिए, अपने शहर से दूर रखने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो हमारा भी आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बुजुर्ग महिला शारदा फिर से हैदराबाद या आसपास वहाँ कहीं भी रहती हो वापस अपने घर पहुंच सके। जब पोर गए ना आना तुझे। ओ मास्क निकालो। प्रॉपर्टी ऊपर मुंडी करो, ये पूरा हैदराबाद में भेज देता हूँ। हेलो, ये माजी का नाम शारदा है, ये हैदराबाद से रोशन बस से आके उतरी, इसके साथ दो लड़का लोग था, उन लोग छोड़ के फरार हो गए। अभी इनको सायन पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं। कोई अगर पता लगा इस माजी का तो तुरंत सायन पुलिस स्टेशन में कॉन्टेक्ट कीजिए।